कैड सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ऑटोकैड सीखने का ये सेकेंड लेक्चर है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। हम लोग यहाँ पे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था, UCS क्या होता है, क्रॉस हेयर किसे बोलते हैं हम लोग, क्रॉस हेयर की साइज कैसे बढ़ानी है। अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो आपको कैड का जो क्लासिक मोड है वो कैसे व्यू करना रहता है, उसके अंदर ड्रॉ टूल बार कहाँ पे है, मॉडिफाई कहाँ पे, और बाकी सब कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये मैं सोचकर आगे चलता हूँ कि आपने पहला वीडियो देख लिया है, अब मैं आपको ड्राइंग्स कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ड्राइंग्स कंसेप्ट बताने के पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो भी टूल बार्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है दोस्तों, और जब तक आप इसे प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बिकेन से है ना, आपको नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है बिकेन से लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ टूल बार ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे ड्रॉ मेनू और ड्रॉ टूल बार इसमें क्या डिफरेंट है। ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे जो ड्रॉ टूल बार है इसमें क्विक एक्सेस ऑप्शन है, मतलब जो आपको रेगुलर यूज़ होते वैसे क्विकली यूज़ होते उसे यहाँ पे दिया है वो ऑप्शंस को, और ड्रॉ में यहाँ पे पूरे ऑप्शंस है। तो हम लोग ड्रॉ में पूरे ऑप्शन सीखने वाले, और जिन ऑप्शंस को हमें दोबारा दोबारा मतलब रेगुलर यूज़ करना रहता है ड्राइंग्स के अंदर, वो ऑप्शन इसे ड्रॉ टूल बार से हम लोग एक्सेस करेंगे, और वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे ड्रॉ मेनू में मिलने वाले हैं। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ में तो मॉडलिंग दिया है, लेकिन ये 3D का पार्ट है, तो जब हम 3D को स्टार्ट करेंगे तो ये मॉडलिंग टूल बार देखने वाले। सबसे पहले लाइन देखते हैं, तो लाइन ड्रॉ करने का तरीका कैसे है, आप बोलोगे सिंपल है, लाइन पे क्लिक करिए, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करो और डायरेक्टली क्लिक करो। जी हाँ, इसी तरह से तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये लाइन तो हम लोग आर्किटेक्चर्स या फिर एक टेक्निकल ड्राइंग्स की तरह ड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं। तो चलिए सीखते हैं टेक्निकल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, या कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो तो भी डिलीट हो जाएगा। इरेज के लिए शॉर्टकट की है ई इंटर, मतलब कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करने के लिए ले लेते यहाँ से इस तरह से, तो इसे इरेज करना है आपको। पहले मैं लाइन कमांड को कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल बटन मतलब एस्केप, यस जी हाँ एस्केप प्रेस करिए। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं ई इंटर प्रेस करूँगा। ई इंटर आपको कमांड लाइन पे दिखाई दिया होगा, ई इंटर कहने क्या हो रहा है इरेज। इरेज के बाद लिख के आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यस आपको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं राइट क्लिक प्रेस करूँ, क्लियर है। इरेज कैसे, ई इंटर इरेज कमांड हमने सीख लिया। अब ये लाइन कमांड के बारे में आपको बता रहा था, लाइन कमांड आप कीबोर्ड पे एल बटन टाइप करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कमांड लाइन में दिखा रहा हूँ आपको, मैं कीबोर्ड से एल टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे एल और एंटर बटन प्रेस करो, एल और एंटर। क्या लिख के आ रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यस लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एज पर जो कमांड दिया है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मुझे अभी लाइन टेक्निकली ड्रॉ करना सीखना है, तो मुझे इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और उसे लेंथ भी देना है। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है और उसे एक पर्टिकुलर लेंथ देना है, तो उसके लिए पहले इसे ऑर्थो ये प्रोजेक्शन ऑन करना होगा हमें, ऑर्थो मोड, ये सेटिंग्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसकी शॉर्टकट की है F8। क्या प्रेस करना है, F8, फंक्शन की है F8, कीबोर्ड के ऊपर F8 हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्थो ऑन हो चुका है, आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। इस कमांड, ये जो सेटिंग्स है इसमें कोई भी कमांड आप देखोगे, ये कमांड कोई भी टूल बार चालू है, सपोज लाइन कमांड चालू या रेक्टेंगल, ये कमांड ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप। ये सभी कमांड आप लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, सर्कल कमांड, इसके बीच में ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एफेक्ट करके उसे ऑन किया, ऑर्थो ऑन यानी स्ट्रेट लाइंस प्रोजेक्शंस, ऑर्थो प्रोजेक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, ये वर्टिकल आ रही है। माउस मैं क्रॉस रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू माउस पॉइंटर यहाँ पे इस तरफ लाइन जानी चाहिए, लेकिन ऑर्थो ऑन है इसीलिए वो ऐसा जा रहा है। ऑर्थो अगर मैं ऑफ कर देता तो देखो क्या हो रहा है, रिजल्ट दिख रहा है आपको, ऑर्थो ऑफ कमांड लाइन पे दिख रहा है, ऑर्थो ऑन
देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन. सो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन और तो ऑन रहना चाहिए. बट अभी ये लाइन का लेंथ भी हमें देना है यहाँ पे, तो मैं लेंथ दे रहा हूँ 10. अभी 10 कौन सा यूनिट है? जैसे आपको ये सवाल तो रहेगा आपके मन में कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, इंचेस है, फीट क्या है, क्या ये? तो फिलहाल आप इसके बारे में सोचो मत. यूनिट कन्वर्जन या यूनिट कौन सा अप्लाई करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा. फिलहाल मैं 10 इंटर कर रहा हूँ. आप इसे चाहिए तो इंचेस काउंट कर लो, 10 इंचेस रहेंगे. 10 एक नॉर्मल डेसिमल नंबर दे दो आप. यहाँ पे ऊपर माउस पॉइंटर मैं रख रहा हूँ. अभी 10 करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है लाइन के पास, यहाँ पे लिटिल बिट ब्रेक दिख रहा है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रेक है. तो ये ब्रेक मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक के ऊपर माउस पॉइंटर ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे 4 एंटर कर रहा हूँ. उसके बाद माउस पॉइंटर लेफ्ट साइड में मैं रख रहा हूँ और मैं 10 इंटर करूँगा वापस 10. और उसके बाद मैं सी इंटर करूँगा. सी स्टैंड्स फॉर क्लोज. अभी मैंने पहले 10 इंटर किया, फिर माउस पॉइंटर ऊपर रखा, 4 एंटर किया, फिर माउस पॉइंटर लेफ्ट साइड में रखा, फिर मैंने 10 एंटर किया. अब मैं 4 एंटर करके भी इस लाइन को यहाँ से टच कर सकता हूँ, लेकिन मैं सी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास कोई दो या तीन लाइन हो जाती है, तीन या तीन से ज़्यादा लाइन हो जाती है, तो आपको ये सी ऑप्शन मिल जाता है क्लोज. तो आपका क्लोज ऑप्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहाँ से पॉइंट स्टार्ट है वहाँ पे क्लोज कर देगा और ये आपके लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा. तो एक बार मैं सी टाइप करूँगा यहाँ पे, जो टाइप किया कमांड लाइन पे मैंने, और एंटर. दिख रहा है आपको, ये हो चुका है यहाँ पे क्लोज. वेरी सिंपल ना, इस तरह से रेक्टेंगल बनाना हमने सीख लिया. लेकिन अब देखिए यहाँ पे अपने रेक्टेंगल जो मैंने क्रिएट किया है, ज़रूरी नहीं कि आपके कैड के अंदर आप यही रेक्टेंगल क्रिएट करें. आप 20 का बना सकते हैं, 20 बाय 10 का बनाओ, 30 बाय 40 का बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसका जूमिंग लेवल सेट करना हमें सीखना पड़ेगा. क्योंकि आप बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे अगर क्रिएट कर लेते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ड्रॉ में से दिखाता हूँ लाइन, एल एंटर, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं 100 लाइन यहाँ पे 100 डेसिमल पॉइंट एंटर करो और 100 के बाद फिर से मैं एंटर करो, लाइन ही मुझे ड्रॉ करनी है, मुझे रेक्टेंगल नहीं बनाना है इसका. तो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन्फिनिट लाइन तो है ही नहीं है, मुझे पता ही है. तो ये आगे तो जा रहे हैं ना स्क्रीन से आगे, तो मुझे क्या करना होगा इस लाइन को पूरा देखने के लिए, जूमिंग करना होगा. जूम इन जूम आउट कैसे होता है वो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट की के साथ बता रहा हूँ. जेड एंटर करना है और ई एंटर करना है. जेड एंटर, ई एंटर, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट. आपको जितना भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे जूम हो रहे हैं. लेकिन मैं जब जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, जूम आउट स्क्रॉल मेरी तरफ ना, माउस का स्क्रॉल बार बटन आप घुमाएंगे तो जूम कम होते जाएगा. जेड इन और ई इंटर जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट के लिए था, लेकिन उसके बाद मैंने माउस का स्क्रॉल बार घुमाया अपनी तरफ तो ये जूम आउट हो चुका है. अगर मैं इसे जूम इन करना चाहता हूँ तो माउस पॉइंटर इस पे रख के मैं जूम आउट करूँगा, स्क्रॉल करते जाऊँगा, जूम आउट, माउस आगे स्क्रॉल करते जाऊँगा सामने वाले डायरेक्शन से, तो ये स्क्रॉल जूम आउट हो रहा है. लेकिन जूम इन और जूम आउट की एक बात याद रखनी है यहाँ पे, अगर आप ड्राइंग बीच में हैं और उसके ऊपर ही माउस रख के जूम करते हो तो ड्राइंग प्रॉपरली बीच में जूम हो रही है, और माउस आप राइट कॉर्नर में रखते हो और जूम करते हो तो ड्राइंग नीचे जूम होती जाएगी. ये छोटा छोटी चीज़ है लेकिन आपको ये नोटिस कर लेना है. अगर लेफ्ट कॉर्नर में रखते हो तो भी ड्राइंग किस अपोजिट कॉर्नर में चली जा रही है. तो आपको ड्राइंग अगर अपोजिट कॉर्नर में है, सपोज आपकी इस ड्राइंग इधर है, तो इसको पहले स्क्रॉल जूम इन करके ऐसा बीच में लाना है ड्राइंग को, जूम आउट करके सॉरी स्क्रॉल करके, और उसके बाद ड्राइंग के अपोजिट साइड में माउस रख के ऐसा जूम, यहाँ पे माउस रख के मैं स्क्रॉल आगे घुमाते जा रहा हूँ और फिर मैं ड्राइंग के माउस रखूँ और इस तरह. और ये जो UCS है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई, इसे हम लोग टूल से न्यू UCS और ओरिजिन इस ऑप्शन से डायरेक्टली आप यहाँ पे रख सकते हैं. अगर आप नया वर्जन का कैड यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसमें एक पॉइंट आता है, इस पर क्लिक करके आप नीचे रख सकते हैं UCS. तो ये एक मैंने बताया कि किस तरह से आप इसके अंदर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, लाइन कमांड कैसे यूज़ करना है, इरेजर कमांड कैसे यूज़ करना है, और ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में सीख चुके हैं. इस लेक्चर में बस आपको मैंने लाइन कमांड के बारे में बताया, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना पहले. एक बार इसकी प्रैक्टिस आपकी हो गई तो आपको लिटिल बिट गो थ्रू हो जाएगा कि मुझे कमांड किस तरह से यूज़ करने हैं, और फिर आप प्रिपेयर हो जाओगे नेक्स्ट कमांड्स के लिए. तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा. थैंक यू दोस्तों.